अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो और मन में विश्वास हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का सच्चा उदाहरण है गुना जिले की श्रीमती गंगा अहिरवार, जो खुद तो आत्मनिर्भर बनी ही, साथ ही उन्होंने अपने पूरे परिवार को आत्मनिर्भर बना दिया और इस कार्य में उनका पूरा सहयोग दिया गुना कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने। आइए आपको बताते हैं गुना की गंगा की सच्ची कहानी। गंगा अहिरवार एक 28 साल की महिला जो विश्वास रखती थी कि आगे बढ़ो और कुछ बनकर दिखाओ। उन्होंने न केवल अपने जीवन को संवारा बल्कि अपने पूरे ससुराल को भी जीवन जीने की नई राह दिखाई और उनके अंदर भी आगे बढ़ने की ललक जगाकर आज पूरे परिवार को संपन्न कर दिया है। उन्होंने पहले स्वयं 11 महिलाओं को एकत्र कर आजीविका मिशन के तहत सब सहायता समूह का गठन किया और कलेक्ट्रेट में कैंटीन संचालित की, जिससे उन्हें फायदा होना शुरू हुआ। फिर कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम के मार्गदर्शन में उन्हें कोरोना काल में अस्पताल की कैंटीन को भी संचालित करने का मौका मिला और यहां उन्हें 4 लाख से अधिक का फायदा हुआ। उन्होंने अपनी जेठानी को सिलाई कढ़ाई से जोड़ा और देवरानी को पशुपालन और सब्जी पालन के साथ ही अपने ससुर जी को भी किराने की दुकान खुलवा दी और अपने पति जो कि 5,000 में कार्य कर रहे थे उनको भी स्व सहायता समूह से जोड़कर आज अधिक आय प्राप्त करवा रही हैं। श्रीमती गंगा को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सम्मानित भी किया और कहा कि गंगा और महिलाओं के लिए प्रेरणा है। समूह के जरिए से मुझे सीटीसी में भोजन बनाने का काम मिला है, कैंटीन मिली है चलाने के लिए, मध्य प्रदेश शासन ने मुझे काम दिया है। कोविड-19 का मैंने भोजन बनाया था, भोजन मध्य प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री से बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।